हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं बेबी पेंगुइन के करजत वाले फार्म हाउस के डार्क सीक्रेट्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने बीच में थोड़ा सा वायरल हुआ था स्टीव पिंटो के मैसेजेस, जो उनके क्रिप्टिक मैसेजेस थे जिसके थ्रू वो लोगों को क्लू दे रहे थे, हिंट दे रहे थे, जो कुछ भी हुआ था दिशा सालियन के साथ और जो कुछ भी होता है करजत वाले फार्म हाउस में। तो उसमें से ये ट्वीट जो ब्यूटी वाला, ये जो वायरल हुआ था, वो उसकी जानकारी आप लोगों में से कुछ लोगों को ज़रूर होगी। लेकिन दूसरा वाला ट्वीट जो मैं आप लोगों के सामने डिकोड करने वाली हूँ, उसके बारे में आप लोगों में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, बल्कि कुछ है कि गिने चुने लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो आज मैं ये वाला ट्वीट आपके सामने डिकोड करने वाली हूँ कि वो क्या, बेसिकली स्टीव पिंटो क्या बताना चाहते थे अपने मैसेजेस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीव पिंटो के ये वाले मैसेज की, जिसमें वो, जो उनका 30 जून का मैसेज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 जून का उनका ये मैसेज है, जिसमें वो कह रहे हैं, माई लॉगिन बैंक $37 million, आई विल चेंज इंडस्ट्री इंडिया, नो पॉवर्टी नो रेफ्यूजीज, विल वाइप पॉवर्टी वर्ल्ड वाइड, लव बॉलीवुड डांस, दिस इज गॉड सीरिया मी कमिंग, अल्लाह ब्लेस ऑल। ठीक है, तो इसमें ये जो बात कर रहे हैं वो 37 million dollars की, तो ये जी हाँ, तो ये वाली जो बात है ये मैं आपको बताती हूँ। जो 37 million dollars की जो बात हो रही है वो है 11th May, यानी कि 11th May 2020 में कार्गो शिप से, इंडिया से एक कार्गो शिप जा रही थी श्रीलंका, ठीक है, लेकिन उसे एक्चुअली उस शिप को जाना था लीबिया। उसमें थे 37 million dollars वर्थ के पेन किलर्स, जो इलीगल ड्रग्स थी, वो जा रही थी लीबिया के ISI वाले टेररिस्ट लोगों के लिए, टेररिस्ट्स के लिए, क्योंकि उनको वो लड़ने की स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, लड़ने की शक्ति, और अगर वो घायल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, इफ़ दे आर वुंडेड इट गिव्स देम स्ट्रेंथ एंड इट डजेंट लेट देम फील द पेन, उन्हें बिल्कुल भी पेन फील नहीं होती ये इस चीज़ के, ये इलीगल ड्रग्स थे, ये इतने स्ट्रांग पेन किलर्स होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी वो पेन फील नहीं होती है, और वो उन्हें स्ट्रेंथ भी देती है ताकि वो और ज़्यादा लड़ पाएँ अपनी ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो वो लोग करते रहते हैं उसके लिए। तो ये जाने वाली थी लीबिया, जो इटली में बरामद हुई। आप ये गूगल करके न्यूज़ आई थी 11th May की, आप न्यूज़ देख सकते हैं, जो इंडिया से जाने वाली कार्गो शिप इटली बरामद हुई थी। तो इनमें भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बेबी पेंगुइन का और बाकी भी बहुत सारे हमारे इंडिया के पॉलिटिशियंस का हाथ है, या तो फिर उन्हें इनकी जानकारी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये वाला, वो वाला ट्वीट था। फिर दूसरा वाला जो ट्वीट वायरल हुआ था वो ये वाला था, जो सिंपल था, उसे तो कोई, मतलब एकदम से नॉर्मल इंसान, कोई छोटा बच्चा भी इस ट्वीट को ये कर सकता है। तो ये था, ब्यूटी इज टू अप्रिशिएट नॉट टू, एफ वाला वर्ड, फ्लावर स्मेल नॉट प्लक, All this is true, my friends, but depends on luck. Imao, Lolita laughing. Okay? तो इसमें ये जो beauty is to appreciate वो कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं बच्चों के बारे में, कि जो beauty होती है वो appreciate करने के लिए होती है, वो सराहने के लिए होती है, सुंदरता। और जो flower होते हैं, फूल, वो बच्चों की तरह नाजुक और कोमल होते हैं, वो बच्चे, उनकी मासूमियत को appreciate करना चाहिए, उनकी मासूम जैसी जो मुस्कुराहट है, जो खुशबू की तरह, उसे फैलाना चाहिए इस पूरी दुनिया में, ना कि उन्हें कुचलना चाहिए, ना ही उन्हें प्लग करना चाहिए, यानी तोड़ना चाहिए, कुचलना चाहिए, और ना ही उनके साथ कोई गंदी हरकत करनी चाहिए। तो ये वो कहना चाह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ऑल दिस इज़ ट्रू माई फ्रेंड्स, यानी कि ये सब कुछ सच है फ्रेंड्स,
और ये लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितनी आसानी से निकल पाओ। और ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप अगर इस प्लग का अलग मतलब डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग ये भी आता है कि जो भी आपके डियर वंस हैं, जो भी आपको प्रिय हैं, जैसे बच्चे सभी को बहुत ही प्रिय होते हैं क्योंकि वो इतने मासूम होते हैं, तो वो जो बच्चे हैं उनको उस जगह से जल्द इमीडिएटली निकालो, ठीक है। तो ये और ये वो बात कर रहे थे नेरल से, नेरल में वो शायद खुद रहते थे स्टीव पिंटो, तो नेरल से कर्जत, तो वो कर्जत वाले फार्म हाउस की बात कर रहे हैं इसमें। और एक और ट्वीट है, अब ये मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने वो उस अपने मैसेज में हैशटैग करके लॉलीटा क्यों लिखा था। वो इसलिए लिखा था क्योंकि ये लॉस एंजलिस टाइम्स, ये दी आप भी ये सर्च करके देख सकते हैं गूगल पे, द रियल लॉलीटा, ये एक बुक है, किताब है, अ लॉस्ट गर्ल एन अनथिंकेबल क्राइम एंड अ स्कैंडलस मास्टरपीस, सारा वेमेन, ठीक है। तो ये लॉलीटा उन्होंने हैशटैग करके इसलिए दिया था क्योंकि बच्चे जो हैं मासूम बच्चे, वो कहाँ एनजीओ से बोलो आप या फिर वो कहीं से भी बोलो, वो कैसे गायब हो जाते हैं जब वो किडनैप होते हैं किसी मतलब दुनिया भर में किसी भी देश में, कहीं के भी बच्चे एनजीओ के कहीं के भी जब वो गायब हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, वो इन्हीं क्राइम्स में, इन्हीं में इन्वॉल्व किए जाते हैं, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है और जो बाकी की चीज़ है, जो ऑर्गन की ये लोग जो तस्करी करते हैं, इन सारी चीज़ों में। अब उनका स्टीव पिंटो का एक और ट्वीट था जो गोपाल दलवी और इनके बारे में था, तो मैं वो आपको झेलम उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वो था ये वाला, माई हाउस नेरल हेवन अर्थ गोपाल देवी गोपाल दलवी झेलम दलवी NCP हेल्प इंडिया SOS वर्ल्ड जीरा सोडा वॉज पॉइजनस सेफ। इसमें एक तो वो ये कहने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि जीरा वाटर या फिर सोडा ऐसा कुछ मिलाकर कुछ पॉइजनस सा या कुछ नशीली चीज़ दी गई थी दिशा सालियन को उस पार्टी में, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा नशा हो गया था और फिर उसके साथ वो जो गंदी हरकत करने की कोशिश की, जिसकी इतनी हम बातें कर रहे हैं, तो वो करने की कोशिश की और उस वो जो पार्टी थी जो उनको जो पार्टी हुई थी जिसमें शायद ये एकता कपूर की 7 जून को बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें जो इम्तियाज़ खत्री और करण नार्वेकर और गोपाल दलवी झेलम दलवी, और कहा तो ये भी जा रहा है कि उसमें मुंबई के CP परमबीर सिंह भी उस पार्टी में मौजूद थे जो एकता कपूर के कृष्णा बंगलो में हुई थी 7 जून को, 7 जून की शाम को, तो जो वहाँ से मतलब ये लिखा है इसमें कि नेरल जुहू बीच पुलिस सेड हैरेसिंग देम मॉम लाइफ सीनियर पिक्चर्स प्लीज हेल्प कॉमन मैन रनिंग कमिश्नर मुंबई कर्फ्यू जुहू पुलिस आस्क्ड टू लीव हरे रामा मेकर कृष्णा बंगलो सिटीजन होटल। तो ये जो वहाँ पे एकता कपूर की बर्थडे पार्टी हुई थी और वहाँ से वो सिटीजन होटल लेकर चले गए किसी को, अब वो किसको लेकर गए, बच्चों को या वो सिटीजन होटल दिशा को लेकर गए ज़बरदस्ती, या कुछ तो ऐसा इसमें हुआ है कि दिशा सालियन को पॉइजनस कुछ नशीली चीज़ दी गई थी, उसके बाद उसे उस बंगलो से फिर सिटीजन होटल ले जाया गया, वहाँ पर कहा जा रहा है ऐसी मतलब खबरें हैं कि परमवीर सिंह वहाँ पर मौजूद थे और बाकी भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग मौजूद थे फिल्म इंडस्ट्री के और पॉलिटिशियंस भी, तो ये कहा जा रहा है। और दूसरी बात ये कि इसमें सारी ये बात आ रही है इनकी बात आ रही है AU की, तो डेफिनेटली बेबी पेंगुइन की बात तो आ ही रही है, साथ में ये भी बात आ रही है कि वहाँ पर जो फार्म हाउस है वहाँ पर बच्चों का अवैध व्यापार चलता है, यानी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग चलती है। और इसमें ये जो NCP जो गोपाल दलवी और इनकी जो स्माइल फाउंडेशन है, ये जो NGO है, आप इसे सर्च करके गूगल में देख सकते हैं, स्माइल स्माइल फाउंडेशन NGO मुंबई, इसमें जो सुशांत सिंह राजपूत थे वो इससे मिले हुए थे, मिले हुए थे का मेरा कहने का मतलब ये है कि वो
इस फाउंडेशन से जुड़े हुए थे बच्चों की और यूथ की हेल्प करने के लिए, इस फाउंडेशन से वो जुड़े हुए थे। लेकिन ये जो भी हम कह रहे हैं कि वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में उन्हें पता चल गया था, वो बच्चों को बचाना चाह रहे थे, और तो ये उन्हें एक दो दिन में या एक हफ्ते में ऐसे नहीं पता चला है, ये उन्होंने ये उस चीज़ को ट्रैक कर रहे थे कई महीनों से, कई महीनों से वो ट्रैक कर रहे थे, तब जाके उनको ये कड़वी सच्चाई और ये बेहद ही जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है ये पता चली कि इसमें कहीं ना कहीं चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है। फिर उन्होंने उसमें सबूत इकट्ठा किए, और ऐसा हो सकता है कि उस पार्टी में दिशा सालियन ने अपनी आंखों से खुद ये सब कुछ होते हुए देखा होगा, तो इसी वजह से दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जो कि ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस और इतने रसूखदार लोग हैं, जो इतनी ये कहते हैं कि हमारी इतनी पहुंच है और पैसों का जो पावर दिखाते हैं, तो ये जो लोग हैं ये लोग नहीं चाहते थे कि उनकी ये जो गंदी सच्चाई है ये लोगों के सामने आए, वरना एक बार सामने आ गई तो फिर वो उनकी आने वाली पुश्तें भी कभी ना ही फिल्म इंडस्ट्री में आ सकती हैं, लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे एक बार आपकी इमेज खराब हो गई तो, और सेकंड ना आपको राजनीति में एक तो इतने सालों बाद, शायद 15 सालों बाद आपको मुश्किल से गद्दी मिली है, तो वो भी किसी तरह से गठजोड़ किस तरह से बहुत ही ताने बाने बुन के, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है जो गद्दी मिली है। तो इसी वजह से पूरा इन्होंने अपना जोर लगा दिया कि पहले तो बहुत डराने धमकाने की कोशिश की होगी सुशांत सिंह राजपूत को और दिशा सालियन को, जब वो नहीं हुआ, वो जब नहीं माने कि हम तो बाहर ये बात ला कर रहेंगे क्योंकि आप लोग गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन जब नहीं माने तो इसलिए उन्होंने दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत को रस्ते से हटा दिया। तो ये रही स्टीव पिंटो के इंस्टाग्राम के जो मैसेजेस हैं उनकी बात। इसके बाद मैं आपके सामने लेकर आऊँगी सारा अली खान के जो उन्होंने मैसेज